नमस्कार, मैं शिवानी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन हुई थी देश में दूरदर्शन की शुरुआत। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को ट्रायल के रूप में किया गया था। इस दौरान आधे घंटे का प्रोग्राम प्रसारित किया गया था जो शिक्षण और विकास के कार्यक्रम पर आधारित था। ट्रायल के पश्चात दूरदर्शन के कार्यक्रम सप्ताह में 3 दिन प्रसारित होते थे और इनकी अवधि आधे आधे घंटे की होती थी। उस समय इसे दूरदर्शन इंडिया कहा जाता था। 1975 में इसका नाम बदलकर हिंदी में दूरदर्शन किया गया। 3 नवंबर 2003 को दूरदर्शन के 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल DD न्यूज शुरू किया। देश में आज के दिन मनाया जाता है इंजीनियर दिवस। 15 सितंबर को पूरे देश में इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के महान इंजीनियर भारत रत्न M. विश्वेश्वरैया को समर्पित है। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले में तेलुगु परिवार में हुआ था। कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत कई उपलब्धियां विश्वेश्वरैया के नाम दर्ज है, इसलिए उन्हें कर्नाटक का भागीरथ कहा जाता है। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। आज ये प्रणाली पूरे विश्व में अपनाई जा रही है। 1912 में उनको मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच आज के दिन शुरू हुई थी शांति वार्ता। श्रीलंका में तमिल विद्रोही संगठन और सरकार के बीच संघर्ष का लंबा दौर चला। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए 15 सितंबर 2002 को थाईलैंड में तमिल विद्रोही संगठन LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच वार्ता शुरू हुई थी। वार्तालाप में लिट्टे के वरिष्ठ नेता बाल सिंघम शामिल थे। इस वार्ता का एक ही उद्देश्य था कि श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म हो। गृह युद्ध में लगभग 65,000 लोग मारे जा चुके थे। श्रीलंका सरकार ने तमिल संगठनों की कुछ मांग को स्वीकार किया, लेकिन LTTE के मुखिया प्रभाकरण को सरकार का रवैया ठीक नहीं लगा और इसके बाद उन्होंने संघर्ष और तेज कर दिया। बाद में 2009 में सैन्य कार्रवाई में प्रभाकरण की मौत के बाद ही संघर्ष समाप्त हो सका। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की आज के दिन की गई थी स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना 15 सितंबर 1971 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन के रूप में हुई थी। कनाडा से शुरू हुए इस संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में खोला गया। ग्रीन पीस का शुरुआती उद्देश्य नाभिकीय हथियारों और परमाणु परीक्षण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाना था, लेकिन धीरे धीरे संगठन ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। यह संगठन समुद्री जीवों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और व्हेल, सील व अन्य विलुप्त प्रजाति की समुद्र जीवों की रक्षा के लिए कार्य करता है। समुद्री जीवों की रक्षा के लिए यह जहाज रेनबो वॉरियर का प्रयोग करता है। आज के दिन जापान ने किया था प्योंगयांग पर हमला। क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद काफी लंबे समय से चलता रहा है। चीन और जापान के बीच पहला युद्ध 1894 से 1895 में हुआ था। इस युद्ध में चीन और जापान मध्य कोरिया पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर आमने सामने आए थे, जिसमें जापान की सेना विजयी रही थी। कोरिया ताइवान के साथ मंचूरिया भी जापान के नियंत्रण में आ गया। इसी बीच 15 सितंबर 1894 को सुबह जापान की सेना ने प्योंगयांग शहर पर चढ़ाई कर दी। हालांकि चीनी सेना किले के भीतर पहरेदारी कर रही थी, लेकिन जापानी सैनिकों की गोरिल्ला युद्ध नीति चीनी सैनिकों के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रही। इस युद्ध में चीन के लगभग 2000 लोग मारे गए और करीब 4000 लोग घायल हुए, जबकि जापान के 102 लोगों की मौत हुई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा। 15 सितंबर दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली हैं। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला।
वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा। व्यवसायियों के लाभ में वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किस्मत आपके साथ है। परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मोर्चे पर ध्यान की आवक धीमी रहेगी। खर्चे अधिक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विद्यार्थियों का मनोकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामुनी व सिलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही समय गुजरेगा। कार्य क्षमता के अनुपात में सफलता मिल सकती है। उत्साह बढ़ा रहेगा और उसे आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी। तुला, आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है। मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़ें। वाणी व आचरण पर संयम रखें। अपमान के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। कानूनी अड़चने दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव है। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैंगनी। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। नौकरी पेशा जातकों के स्थानांतरण का योग है। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें भी हो सकती हैं। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मरून व गुलाबी। कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है। आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। परिवार जनों से संबंधों में भी मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग हैं। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खिन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। अपमानित होने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामुनी व सिलेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।